ये पेन तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो गिफ्ट मिला मुझे, कुणाल ने तो दिया था मुझे। उर्वशी, मैंने ऑफिस में किसी को टाइम दिया है, चेक देने जाऊंगा तो देर हो जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने देखा, जो तुमने सुना वही सच है, तो वही सही। कुणाल इतना स्ट्रेस्ड आउट था, और मैं भी तो औरत हूँ और अच्छी तरह से समझती हूँ कि औरत के दिल को क्या अच्छा लगता है। बहुत हेलो उर्वशी, कहाँ हैं आप? बहुत देर से दिखाई नहीं दी, कहीं जा रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी, मैं यही हूँ। हमारे कमरे में आएंगी? मैं आती हूँ। कुणाल साहब, भागवत जी और उनकी पार्टी ने इस चुनाव में जो रणनीति अख्तियार की है, उसके खिलाफ हमें भी अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। मुझे लगता है प्रेस को अनदेखा नहीं करना चाहिए हमें। मीडिया की सपोर्ट के बिना ये इलेक्शन जीतना आसान नहीं है, दैट्स व्हाट आई थिंक। उनकी सारी रणनीति इस बार आपके परिवार के खिलाफ है, वो किसी भी कीमत पर यह इलेक्शन जीतना चाहते हैं, चाहे उन्हें जितना भी बुरा कहना पड़े। अच्छी तरह से आप ये लोग बता गई है कि मेरी पसंद नापसंद आपको गैरों से पूछनी पड़ेगी। आप ऐसा कीजिए, प्यार में मुझे दूसरों से पूछ कर। कुणाल साहब, कुणाल साहब, एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मम्मी, हम तो बस आराम कर रहे हैं। तुम बताओ, सवेरे बच्चों के साथ आई थी, उसके बाद दिखी नहीं, अब आई हो, वो भी हमारे बुलाने पर। सब ठीक है? जी, सब बिल्कुल ठीक है। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा उन्हें पढ़ा रही थी। कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक ठाक। उर्वशी सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में व्यस्त हो या कोई और बात है? तुम्हारा चेहरा नहीं, मैं ठीक हूँ। मैम, वो एक्चुअली सारा दिन घर और बच्चों के पीछे, आई कैन इमेजिन, खुद को जैसे भूल ही गई हैं। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे। अगर उर्वशी साथ चल लेती तो मेरा भी काम हो जाता और इनका मूड भी सुधर जाता। नहीं आना, सीरियसली मैं घर पर ठीक हूँ। उर्वशी, मैं तुम्हें घर से निकालने की बात नहीं कर रही थी। मेरा सिर्फ इतना सोचना था कि घर से बाहर निकलोगी तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। याना ठीक कह रही है उर्वशी, थोड़ा बाहर घुमाओ, अच्छा लगेगा। जाओ प्लीज, चलो ना। स्विट्जरलैंड, इलेक्शन इतने करीब हैं,
और आप चाहते हैं हम आपके साथ स्विट्जरलैंड चलें। ये क्या मजाक है करण? ये मजाक नहीं है मामा। इस वक्त तुम्हें तुम्हें इलेक्शन की गहमा गहमी में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? भैया है ना मां, वो इलेक्शन का काम संभाल लेंगे। देखो मां, इस वक्त तुम्हारी सेहत के लिए यही मुनासिब है कि तुम इस माहौल से कुछ दिनों के लिए दूर रहो। तुम्हें अपनी सेहत पर अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। देखो करण, इस वक्त हमें चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए। अभी हम यहां से चले गए तो कितना बुरा लगेगा। किसे अच्छा नहीं लगेगा मां, किसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे हार्ट अटैक की खबर पूरे विशाल प्रदेश को है और तुमसे कहीं ज्यादा वो लोग तुम्हारे लिए चिंतित है। मां अपने लिए ना सही, अपनी जनता के लिए, हम लोगों के लिए, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ स्विट्जरलैंड चलो ना मां। तुमने हमेशा मेरी जिद पूरी की, इसे भी मेरी जिद समझ के पूरी कर दो ना प्लीज। करण, हाँ प्रिया, कुछ दिनों के लिए आराम करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपने अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाला। क्या पॉलिटिक्स बीमारी के वक्त चैन से रहने की इजाजत नहीं देती? चलिए, अगर सबकी खुशी इसी में है कि हम चले जाएं कुछ दिनों के लिए, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। That's like a good mama. लेकिन आप में से कोई हमें ये बताएंगे कि भागवत जी ने हमारे खिलाफ चुनाव में किस उम्मीदवार को खड़ा किया है? माँ, मुझे लगता है जैसे अब तुम मजाक कर रही हो। अरे, तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? हाँ, अगर मैं होता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो पूरे विशाल प्रदेश में तुम्हारी टक्कर का कोई लीडर नहीं। अरे, वो भागवत और उसके लोग अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाए। मां, मुझे तो लगता है इस बार तुम निर्विरोध जीतोगी। I'm quite sure. देखो, हर पंचायत एरिया में कम से कम एक पब्लिक मीटिंग करने के हिसाब से हमें 40 से 50 पब्लिक मीटिंग करनी होगी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर दरवाजे तक पहुंचने के लिए कम से कम एक हफ्ते की कम से कम एक हफ्ते की पदयात्राओं का कार्यक्रम रखना होगा। कृतिका, कृतिका, चुनाव का कार्यक्रम समझ रही हो ना तुम? जी, समझ रही हूं, लेकिन एक बात समझ नहीं पा रही हूं। आप तो प्रियंवदा देवी की पार्टी के लीडर हैं, फिर हमारी पार्टी को हेल्प क्यों कर रहे हैं? अरे कृतिका बेटी, तुम तब से यही सोच रही हो? अब हमें ऐसा लगा कि हमसे कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई। अब बेटी, जिस पार्टी की तुम बात कर रही हो ना, हमारा तो दिल टूट चुका है उस पार्टी से। अरे, हम राजनीति जरूर करते हैं, पर हमारे सीने में भी दिल है बेटा, हमें भी ठेस पहुंचती है। एक माँ होकर प्रियंवदा देवी ने तुम्हारे जैसी सुशील, समझदार और जिंदा बेटी को जीते ही मार चुकी। अगर माँ बेटी का रिश्ता तोड़ सकती हैं, तो विशाल प्रदेश की जनता के साथ क्या हमदर्दी दिखाएंगी वो? अब तो जब तुम चुनाव जीतोगी, तभी हम मानेंगे कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो
वो जरूर इंसाफ करेगा बेटा। और कृतिका बेटे, रघुनंदन जी अकेले नहीं हैं, इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं पार्टी में जिनका मन पार्टी से उखड़ चुका है। सिद्धांतहीन राजनीति का यही हश्र होता है। देखो बेटे, हमारा मकसद तुम्हें तुम्हारी मां के खिलाफ करना नहीं है। प्रियंवदा का सामना करने के लिए बहुत से लीडर हैं हमारी पार्टी में, लेकिन ये चुनाव आत्मसम्मान का चुनाव है। उस अहंकार को जवाब देने की कोशिश है जिसे न रिश्तों की पहचान है और न परिवार को जोड़ने के मूल्यों की। हम मूल्यहीनता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भागवत जी, अब थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए। मैं लेकर आती हूं। भागवत जी, बेटी बिल्कुल मां पर गई है। हमें नहीं पता था श्वेता कि आप इतना हंसा सकती। माँ, तुम श्वेता को नहीं जानती। इसके पास पीजीएस का एक पूरा पिटारा है, रात हो जाएगी जोक सुनते सुनते। अच्छा एक काम करती, श्वेता का एक जोक मैं आपको सुनाता। एक बार क्या हुआ? सड़ू, तुम जोक सुनाओगे? हमें यहाँ पर हंसना है, रोना नहीं। भैया अच्छा हुआ आ गए। मैं कुछ दिनों के लिए माँ को स्विट्जरलैंड लेके जा रहा हूँ। ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, आई थिंक यू रियली नीड द रेस्ट। सुना माँ, उर्वशी कहाँ है? बाहर गई है याना के साथ। याना के साथ? हाँ, हमने ही बाहर भेजा। इतने दिनों से उर्वशी घर से निकली ही नहीं थी, थोड़ा घुमाएगी। अरे भैया आप आइए ना, ये श्वेता के जोक्स अभी तक खत्म नहीं हुए। आइए आइए, आप भी भुगतिए। नहीं, मैं एक जरूरी काम है। मैं एक्सक्यूज मी। जरा पता तो करो, प्रियमदा देवी जी अपने खिलाफ अपनी बेटी को सामने देखकर कैसा महसूस कर रही है। और हाँ, माँ की दवाएं पैक करना मत भूलना। हेलो प्रियंवदा जी। कहिए रघुनंदन जी। आपने हमें कैसे याद किया? अरे कैसी बात कर रही हैं प्रियंवदा जी, अपनी पार्टी के लोगों को भला कोई भूलता है? और आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत को छोड़िए, हमें ये बताइए कि आपके मित्र भागवत जी ने चुनाव में हमारे खिलाफ किस उम्मीदवार को खड़ा किया है। क्या आपको अभी तक नहीं पता कि भागवत जी ने आपके सामने चुनाव में किसे खड़ा किया? वो भागवत जी ने चुनाव में आपके सामने प्लीज करण, क्या कर रही हो? इसी टेंशन से दूर रखने के लिए मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड ले जा रहा हूं और तुम हो के रघुनंदन जी, आप नहीं जानते कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, और इस वक्त आप इलेक्शन की बातें कर? नहीं नहीं करण बेटा, वो हमने तुम्हारी मम्मी की तबीयत पूछने के लिए तो फोन किया है। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि माँ की कितनी चिंता है आपको, आपसे तो बाद में बात करता हूँ। माँ बातें बहुत हो गई, लेट्स गेट रेडी टू लीव। उर्वशी
इन्हीं आंसुओं के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती थी। बताओ ना, क्या बात है? एक ऐसी हकीकत है उर्वशी, जिससे हम दोनों का संबंध है। तुमसे पहले कुणाल पर मेरा हक है। एक्सक्यूज मी, यही सच है उर्वशी। तुम्हारी शादी से कहीं पहले कुणाल एम्स्टरडैम आए थे पढ़ने के लिए। वहां पर हम दोनों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। और फिर हम दोनों के बीच कोई फासला नहीं रहा और उनकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं था उर्वशी, सिर्फ मैं और कुणाल। कुणाल सिर्फ मेरा है उर्वशी, सिर्फ मेरा। I was the first one जिसने ये कहा था कि तुम दोनों आइडियल कपल हो। उर्वशी याना के साथ गई। अगर उर्वशी ने याना से कुछ पूछा और याना ने उसे सब कुछ बता दिया तो। थैंक यू सो मच। कब से सोच रही हूँ कि शॉपिंग पे जाऊंगी, लेकिन अकेले शॉपिंग करने में कुछ मजा नहीं आता है ना। थैंक्स उर्वशी, आई विल नेवर फॉरगेट दिस। याना, तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं? कुछ खास बताने को था नहीं उर्वशी। मेरी फैमिली में मेरी माँ और दो बहनें थी। मतलब दोनों मॉम, दे कमिटेड सुसाइड। एक्चुअली माँ मुझे भी मार देना चाहती थी। आई गेस आई वॉज़न्ट सो लकी, और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी यादों के साथ मरने के लिए जिंदा छोड़ दिया। आई एम सो सॉरी, तुम्हारी मॉम ने ऐसा किया क्यों याना? वजह तो बहुत बड़ी थी। मेरे डैड धोखा किया था उन्होंने हम सबके साथ। और जानती उर्वशी, चाहते हुए भी अब शायद कभी भी किसी मर्द पर मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगी। एनीवेज, जब इंसान अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ मुड़ के देखता है तो सिर्फ आंसू बहते हैं। एंड आई डोंट वांट टू क्राई। क्या फ्लाइट फुल है? दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। दो पैसेंजर्स को ऑफलोड करो, लेकिन किसी भी हालत में टिकट्स कंफर्म होनी चाहिए। कॉल मी बैक। क्या हुआ? ट्रैवल एजेंट ने क्या कहा? कहता है एक घंटे बाद बताएगा। टिकट्स तो खैर कंफर्म हो ही जाएंगे, लेकिन श्वेता, अब मैं माँ के हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और किसी भी कीमत पे कृतिका की खबर माँ तक पहुंचने नहीं दूंगा। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, मैं चलती हूं। प्रिया का ध्यान रखना। श्वेता, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, किसी पर भी नहीं।